अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टिफन फूडी। टिफन फूडी में आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं रिफ्रेशिंग रेसिपी। तो आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं इमली आलू बुखारा सोडा। बहुत ही मजेदार सा और रिफ्रेशिंग ये सोडा है, शरबत इसे बोल सकते हैं आप। और चलें शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो देखते हैं इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ये कैसे तैयार होगी। बहुत ही आसान है और आप इसको घर में बनाकर सेव भी कर सकते हैं और जब चाहें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप उसी टाइम में प्रिपेयर भी कर सकते हैं और उस रात में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया है आइस, आइस के क्यूब्स ले लिए। इसके साथ इमली ले ली, आलू बुखारा, सोडा वाटर, पानी, नमक, काला नमक, चीनी, सौंफ, काली मिर्च, तुख मलंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे जाकर सब्सक्राइब को प्रेस करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। इससे आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर पैन में सबसे पहले हमने इमली ले लेनी है। इसी तरह से जिस क्वांटिटी में आपको ये बनाना है उस हिसाब से हम ये इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने सबसे पहले इमली ऐड कर ली है, इसके बाद आलू बुखारा ऐड कर लेते हैं। दोनों चीजें ऐड कर ली हमने। बहुत ही आसान है ये। और आप जो है इसमें हम वाटर ऐड कर देंगे, पानी पानी हम डाल देंगे। पानी हमने इतना डालना है कि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए, ठीक है। और पहले हमने कम पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यूं इस तरह से, ताकि इमली को भी पीसीस में कर दें और फिर मजीद पानी ऐड करेंगे। ये देखें इसमें अब हम डाल रहे हैं सौंफ। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक। नमक अब हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने स्लो रखा हुआ है और इसको मजीद पकाएंगे 10 से 20 मिनट के लिए। मजीद पकाएंगे ताकि ये उबाल आ जाए। ये देखिए पानी अच्छी तरह से उबलना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे और साथ साथ इसको हलाते जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा इस तरह से उबलना शुरू हो चुका है। ये पानी साथ में उबल रहा है, साथ में पक रहा है। और पानी देखिए पानी की मिकदार कम हो रही है और इमली आलू बुखारा मजीद बॉयल हो रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। अब हमने इसको, पानी खुश्क हो चुका था तो अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं स्ट्रेनर के साथ। इस तरह से हमने इसमें ऐड कर लेना है। तो ये चम्मच की मदद से हमने इसको स्ट्रेन करना है क्योंकि ये ऐसे खुद ब खुद नहीं होगा। तो इसको चम्मच के साथ हमने इस तरह से हलाते जाना है और स्ट्रेन करते जाना है। ये देखिए कितना अच्छी तरह से हमने स्टेन कर लिया है। अपने चम्मच की मदद से ही स्टेन करना है, ये खुद ब खुद नहीं स्टेन होगा, इसको स्टेन करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये हमारे पास जो इसका स्टेन किया हुआ पानी है वो आ चुका हुआ है। यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं अपना इमली आलू बुखारा सोडा। तो यहाँ पर हमने जो मिक्सचर तैयार किया हुआ था इमली आलू बुखारे का वो ऐड कर देंगे। इस मिकदार में हमने ले लिया। इसके साथ हमने तुख मलंगा जो हमने पानी में अच्छी तरह से भिगोई हुई थी वो ऐड कर लेंगे। जिस भी मिकदार में आप ऐड करना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आइस क्यूब ऐड कर देंगे। इस पल्प को जो इमली आलू बुखारा का बनाया वो आप उसको सेव भी कर सकते हैं। इसके साथ हम इसमें सोडा ऐड कर देंगे। देखिए जबरदस्त सा कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही जबरदस्त सा रिफ्रेशिंग जूस है ये पानी है। इसको आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं
और ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही जबरदस्त सा रिफ्रेशिंग सोडा हमारा तैयार हो चुका है। लीजिए हमारा इमली आलू बुखारा सोडा तैयार हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी है, बहुत रिफ्रेशिंग जूस है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आने वाली हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तब तक हमें दें इजाजत, अल्लाह।